चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने श्री महाकाल लोक का अवलोकन कर इस भव्य श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। श्री महाकाल लोक को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां पर भगवान शिव से जुड़ी सभी पौराणिक कथाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जिसे मंदिर में आने वाले सभी लोग देख पाएंगे। यह श्री महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पहला चरण है। इसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस अनावरण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर परिषद को एक भव्य रूप से सजाया गया था। अब हम बात करते हैं श्री महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। श्री महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में लगभग 351 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक, हरि सिद्धि मंदिर, चारधाम मंदिर, रुद्र सागर और विक्रम टीले का निर्माण और विकास किया जाएगा। इस श्री महाकाल कॉरिडोर का पूरा कार्य 2023 और 24 में पूरा होगा। पीएम मोदी ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों का कायाकल्प करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में यह प्रोजेक्ट भी शामिल है और उम्मीद की जा रही है कि इससे कालांतर में पर्यटन में भी काफी कुछ उपलब्धियां हासिल होंगी। वर्ष 2017 और 18 में इस महाकाल परिसर के विस्तार का DPR प्रस्तुत किया गया और उसके बाद इसके पहले चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। कॉरिडोर की संरचनाओं को बनाने में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। बलुआ पत्थर राजस्थान में पहाड़पुर क्षेत्र से लाए गए हैं। इन पत्थरों को राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों एवं शिल्पकारों ने तराशा है। महाकाल गलियारा पुरानी रुद्रसागर झील के चारों तरफ फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, जिसका आयोजन वहां हुआ। महाकाल मंदिर कॉरिडोर का पूरा एरिया करीब 900 मीटर का है। यह काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लगभग 40 देशों में लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान करीब 60,000 लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के पहले महाकाल के दर्शन भी किए और वहां आरती में भी वो शामिल हुए। भविष्य में ये उम्मीद की जा सकती है कि न केवल ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक उपलब्धि होगा, बल्कि ये वहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।